अलवर में 23 अप्रैल को पूर्व कलेक्टर आईएएस ननुमल पहाड़िया व आरएएस अशोक सांखला सहित एक दलाल को एसीबी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। एसीबी ने कार्यवाही से पहले साक्ष्य के तौर पर जुटाए गए मोबाइल रिकॉर्डिंग के सत्यापन के लिए एसीबी कोर्ट में आरोपियों की आवाज सैंपलिंग की अर्जी लगाई थी, जिसके लिए आरोपियों को आज जेल से कोर्ट लाया गया, जहां आरोपियों ने वॉइस सैंपलिंग की स्वीकृति प्रदान नहीं की। आज एसीबी कोर्ट में पूर्व कलेक्टर आईएएस ननुमल पहाड़िया व दलाल नितिन शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया था। तीसरे आरोपी आरएएस अशोक सांखला को जयपुर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर जयपुर ले गई थी। आरएएस के घर से एसीबी की कार्यवाही के दौरान जयपुर आवास से महंगी विदेशी शराब की 26 बोतलें बरामद हुई थी। इसके तहत रामनगरिया थाने में आबकारी एक्ट में अशोक सांखला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद उनके कोरोना जांच में संक्रमित पाए जाने के लिए उसके बाद उनके कोरोना जांच में संक्रमित पाए जाने पर उन्हें जयपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आज अलवर एसीबी कोर्ट में पूर्व कलेक्टर ननुमल पहाड़िया व दलाल नितिन शर्मा को कैदियों को लाने वाली बस में बैठाकर कोर्ट में लाया गया। यहां एसीबी कोर्ट में वॉइस सैंपल की जिरह पर आरोपियों ने सैंपल देने से मना कर दिया। गौरतलब है कि तत्कालीन जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया व आरएएस अशोक सांखला द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे बनाने वाली कंपनी से काम को निर्बाध रूप से चलाने देने की एवज में पिछले 4 माह की मासिक बंदी के रूप में 16 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। हालांकि कलेक्टर का तबादला भी हो चुका था, लेकिन कलेक्टर अपने पिछले 4 महीनों की बंदी लेने के पीछे अड़े हुए थे, जिसकी शिकायत एसीबी को मिली तो एसीबी ने आरएएस अशोक सांखला व आईएएस ननुमल पहाड़िया व एक दलाल नितिन शर्मा को एसीबी ने 23 अप्रैल को 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। अलवर एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका इनकी खारिज हो चुकी है, जिसके चलते तीनों आरोपी अभी जेल में हैं। आरोपी गणों को वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट ने तलब किया था एसीजेएम नंबर 3 ने अलवर में। कौन कौन से आरोपी गण हैं, किस मामले के आरोपी हैं? तत्कालीन कलेक्टर श्री ननुमल पहाड़िया जी और नितिन शर्मा जो प्राइवेट आदमी है, उसको वॉइस सैंपल देने के लिए बुलाया था। हमने दरखास्त लगाई थी सीजेएम कोर्ट में, उसके बाद में उन्होंने एसीजेएम नंबर 3 को नियुक्त किया, आज तो उन्होंने कोर्ट में वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया। दोनों ने मना कर दिया जी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.